बिलासपुर बस अड्डा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक निजी बस परिचालक व बस अड्डा कैशियर्स में सारणी को लेकर हाथापाई पर उतर गए। दोनों ने एक दूसरे पर थवेड़ों की बरसात कर दी और इससे दोनों को मामूली चोटें आई हैं और उनके कपड़े भी फट गए हैं। अड्डा प्रभारी ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस परिचालक व कैशियर को अपने साथ पुलिस चौकी ले गई। जानकारी के अनुसार बस अड्डा कैशियर स्मित सारणी को लेकर काफी देर से बहस कर रहे थे, तभी दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में बीच बचाव में उतरी बस अड्डा परिवार की एनकें भी टूट गई। निजी बस परिचालक का आरोप है कि बस अड्डा इंचार्ज हमेशा गाड़ी लेट करवाते हैं और लड़ाई करते हैं। वहीं बस अड्डा कैशियर का कहना है कि निजी बस परिचालक एचआरटीसी बस के कंडक्टर के साथ गाली गलौज कर रहा था। जब उक्त परिचालक को समझाने की कोशिश की गई तो उसने हाथापाई शुरू कर दी। हमारी गाड़ी जाती है 12:40 पे, वो गाड़ी कुमारनी से और जा रही थी बद्दी के लिए, तो मैं अंदर से आया, वो कंडक्टर हमारा कैश लेके आया, तो ये कंडक्टर जो था ये उसको कंडक्टर को बोल रहा था कि भाई गाड़ियाँ निकाल रहा था कि आप जाओ भाई आपका टाइम हो गया। मैं कह रहा भाई एक मिनट कैश दे रहा है इसलिए लेट हो गया, तो कोई बात नहीं हमारा टाइम ही है 1:10 का हमारा टाइम है। और इसने ऐसा बोलने के बाद मुझे पड़ गया और मेरे ऊपर गाड़ी गलौज करने लग गया और हाथापाई कर दी और उसने मेरे को जो है मेरे कॉलर को और